क्या हुआ साले साहब, तुम्हारा भी कोई लफड़ा पकड़ा गया क्या? अरे यार नहीं नहीं, कसम से बता रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है इस बार। विनीता के अलावा कोई झोल नहीं है लाइफ में, सच बता रहा हूँ। जी जी, उसके बारे में नहीं है। तो? ये आपके लिए आया था। ये क्या है? क्या मतलब, पढ़िए, आपका IAS रिजल्ट आ गया। हाँ। क्या? जी, 3 साल की इतनी मेहनत के बाद भी आपका IAS नहीं निकला। फेल हो गए फिर से आप। ये तो होना ही था, गीता में भी लिखा है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। देख, हमको IAS के रिजल्ट का फल मिल गया, ना शादी बची और ना ही रिजल्ट आया। अब मैं अदिति को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे वैभव, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या हुआ? जीजा जी का IAS इस बार भी नहीं निकला। तुमने दीदी को बताया? यार ये समझ में नहीं आ रहा है, दीदी को कैसे बताऊं उसके बारे में? वैभव, दीदी को तो बताना पड़ेगा ना, वो ये जाना डिजर्व करती है। मेरे मना करने के बाद भी ये अदिति को दामाद जी के अफेयर के बारे में बताना चाहती है। श्रेया, तुम माँ, अगर आप होती तो मेरा मार्गदर्शन करती, पर अब तो आप 24 घंटे से पहले मुझे दर्शन भी नहीं दोगी। अब जो भी करना है मुझे ही सोचना पड़ेगा, वरना ये श्रेया आदित्य को सब सच बता देगी, क्या करूँ? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।